हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने अमेज़ोन से एक शू रैक मंगवाई थी, तो उसी को क्या हम जोड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड जोड़ देंगे। ये लगभग आई है 390 की पड़ी हमारे, शिपिंग चार्ज भी लगा इसमें। तो बस अब ये जोड़ रहे हैं। मुझे ज़रूरत थी शूज़ रैक की, बहुत ज़रूरत थी। बिखरे रहते हैं इधर से उधर, इसलिए ये मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन, क्योंकि अभी जाना तो होता नहीं है ज़्यादा, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो इसको इन्होंने जोड़ी और फिर एक बार तो मैंने इसको आपको दिखाने के लिए यहीं पे रख दी, लेकिन अब मैं इसको बाद में रख दूँगी। जहाँ पर भी मैं जूते वगैरह रखती हूँ वहाँ रख दूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड इसको जोड़ रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और ये है शाम 6:15। बहू और बेटा क्लिनिक गए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ, खाली बैठी हुई बहुत देर हो गई मेरे को। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सब्जी वब्जी बना देती हूँ। तो मैंने चने सुबह भिगो दिए थे, तो पहले तो इनको उबाल लूंगी और फिर देखती हूँ, अगर बनाऊंगी तो दूसरी सब्जी कोई बना दूंगी, नहीं तो मैं एक बार चने की सब्जी बना देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, फिर बहू आके रोटी बना लेगी। अभी फल फ्रूट सलाद सभी आता है जो इसमें रखते जाते हैं हम, तो वो बस भरे ही जाती है, क्योंकि फिर धो धो के रखनी पड़ती है सारी, तो इनको तो ये किचन बस भरे ही जाती है। सलाद भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, फ्रूट भी हैं, तो इसकी हालत खराब है रसोई। तो बस आटा भी गूंथ दूंगी, तो बहू आएगी तो उसको थोड़ा आराम रहेगा, फटाफट फिर रोटी सेक लेगी वो और मैं सब्जी बना देती हूँ। तो सब्जी बनाऊंगी मैं चने की, चने उबल चुके हैं, इनकी सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि अगर आप सास हैं तो थोड़ा बहू को रेस्ट दें, सारा ही काम उस पर ना पटकें। मैं अभी 20 दिन बीमार हो गई, तो मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता था, वो बेचारी अकेली काम करती थी, तो थोड़ा हेल्प करें उसकी ज़रूर। और अगर बहू काम काजी है फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए उसकी। उसके मतलब जब अगर आप लोग आपका शरीर अच्छा सा चलता है, आप बीमार नहीं हैं, आप उठने लायक हैं, तो फिर आप काफ़ी हेल्प उसकी कर सकती हैं बहू की। जैसे सब्जी बना दें या सब्जी काट दें, बैठे बैठे कई काम होते हैं जो सास कर सकती है, तो वो काम कर दें तो बहू को काफ़ी हेल्प मिल जाती है, मेरा मानना तो यही है। तो बस मैंने सब्जी बना दी है, आटा गूंद दिया है, आएगी तो बना लेगी रोटी, उसको भी हेल्प मिलेगी। अगर काम में जाती है तो वहाँ भी तो काम ही करती है, बैठी थोड़ी ना है, तो फिर जब बहू आए तो कम से कम उसको इतनी हेल्प तो मिले। चने की सब्जी बन गई है और कढ़ी भी पड़ी थी कल की खूब सारी, तो उसको भी मैंने दोबारा
झोंक दी है तो वो भी काफी अच्छी हो गई। अगर कढ़ी आपके पास बच भी जाए ना कढ़ी कभी, तो उसको दोबारा घी में या तेल में जिसमें भी आप झोंकना चाहें वापस उसमें चटपटे मसाले डाल दें, जीरा डाल दें, राई डाल दें और कोई प्याज लहसुन डालना चाहें तो डाल दें और फिर उसको वापस झोंक के थोड़ा पानी डाल दें और फिर उबाल दें, तो बहुत अच्छी बन जाएगी। वापस मेरी कढ़ी अच्छी बन गई है तो ये काम आ जाएगी खाने में भी। और दूध बहुत सारा बचा हुआ है तो मैं दूध की बना रही हूँ सेवाई। तो पहले सेवाई को घी में सेकूंगी, नहीं तो ये खराब हो जाती है, ऐसे चिपक जाती है, तो खूब सारे घी में इसको सेकते हैं, मतलब भून लें घी में। इसमें जितना घी डालेंगी ना उतनी ही अच्छी बनेगी, और घी डाल के जितना गुलाबी रंग के बिल्कुल भून लें तो फिर ये बहुत अच्छी बनती है। दूध बहुत सारा रखा है तो मैं सोच रही हूँ सिवाई बना दूं, ऐसे दूध पी रहे नहीं है बच्चे बिल्कुल भी और दूध इकट्ठा होने जा रहा है, तो जब भी दूध इकट्ठा होता है तो या तो मैं खीर बना देती हूँ चावल की, या फिर सिवाई की बना देती हूँ, या दलिया की बना देती हूँ, ऐसे करके मैं दूध को खत्म कर देती हूँ। खत्म तो नहीं होता, दो दो किलो आता जाता है रोज का, तो इकट्ठा होता जाता है दूध, इतना लगता नहीं है। हम लोग चाय बहुत कम पीते हैं तो दो टाइम हम चाय पीते हैं तो उसमें दूध इकट्ठा ही नहीं है। तो मैं ये सिवाइयों को सेक कर रही हूँ, बिल्कुल सीखूंगी। घी में सेकने से क्या होता है, एक तो ये गुलाबी होती है, इनका स्वाद अच्छा लगता है, ऊपर से ये चिपकती नहीं है, नहीं तो दूध में बिल्कुल चिपक जाती है, वो बिल्कुल स्वाद अच्छा नहीं लगता उसका। राई सहित इसको डाल दूंगी तो खूब ही अच्छी बनेगी, इसका स्वाद खूब रबड़ी की तरह आता है। थोड़े इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दें इसमें, इलायची भी डाल दें, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें, अगर कलर डालना चाहें तो कलर भी डाल दें। मैंने कई बार ये रेसिपी आपको दे रखी है तो बस अभी ये हो जाएगी। और अब बहू सेक लेगी रोटी आके, मेरा हाथ ऐठ रहा है